बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे जी पांच ऐसे सुपर फूड्स की जो हमेशा आपको यंग रखेंगे और आपकी जो लुक है वो हमेशा यंग नजर आएगी, क्योंकि ये है कि उम्र तो बढ़नी बढ़नी है, उम्र तो बढ़ती रहती है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी और उसके अंदर एक कुदरती शाइन आएगी, जुड़ियाँ जल्दी नहीं पड़ेंगी। और स्पेशली खवातीन के लिए ये बहुत अच्छे टोटके हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये पांच सुपर फूड हैं, जब ये पांच सुपर फूड आप इस्तेमाल करेंगे तो होता क्या है जी कि ये जब आपके उसके अंदर से ये जो चीज़ आती है तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके लिए लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लोशन इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ें करके वो वक्ती उनका जो है असर होता है। तो जो अभी मैं आपको पांच सुपर फूड बताऊंगा, जो पांच चीज़ें बताऊंगा जो तकरीबन हर घर में मौजूद भी होती हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि इनका हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो जब ये हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग इस्तेमाल जब इनको करोगे तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन में जो है वो ग्लो नजर आएगी, आपकी स्किन यंग नजर आएगी। और आपने कई लोगों का ऐसे को देखा होगा जो पर मैं 20 साल पहले भी देखा तो वो जी उसी तरह थे, बिल्कुल यंग लुक दे रहे थे और बिल्कुल उनका जो है चेहरे पे कोई झुरी नहीं थी और इसी तरह उनकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही थी। तो यही होता है कि कुछ लोग जो हैं वो इस किस्म के ये जो हैं ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो ग्लो करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे जो पहली चीज़ है जी वो है बादाम। बादाम तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, तो आपने करना ये है कि रात के वक्त 7 अदद बादाम जो है उनको भगो दें और भगोने के बाद जनाब सुबह उठ के उनको जो है उनका छिलका उतार लें। वैसे छिलका खाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा देर हजम होते हैं, इसलिए छिलका उतार लें तो ये बेहतर होता है। तो आप इनको खा लें और साथ जो पानी है उसको पी लें। ये कोशिश करें कि आप लोग खाली पेट जो है इसको इस्तेमाल करें और इसका ये स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, दिल के लिए, दिल के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है ये कोलेस्ट्रॉल को भी आपको जो है वो कम करता है, तो इसका ये बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन ये कम अज़ कम आपकी जो स्किन के लिए, जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जी दही। दही जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप खाते हैं तो इससे आपकी स्किन में जो है ना जो फ्रेशनेस रहती है। तो दही का इस्तेमाल ये है कि आप सुबह उठ के इसको लस्सी बना के पी सकते हैं, या वैसे दही ले लें उसके ऊपर जो है थोड़ी शक्कर डाल लें, उसका टेस्ट जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आप उसको दही को भी इस्तेमाल करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है और ये एक एंटी एजिंग भी है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हम बात एंटी एजिंग की कर रहे हैं, आपको फ्रेश लुक जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो है आप इसको दही को भी इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा एक और चीज़ है जी, वो है खजूर, डेट्स। खजूर जो है आपने देखा होगा, ये एक तो आपको फ्रेश रखती है, इसका ये है एक आपके अंदर इससे बहुत सारे इसके फायदे। आपने देखा होगा हमारे इस्लाम में भी हज़रत सल्लम जब रोज़ा इफ्तार करते थे तो वो खजूर के साथ करते थे, तो हमारे लिए ये इसके अंदर बहुत सारी जो है वो खजूर के अंदर बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि जी आपकी जो स्किन है उसको ताज़ा दम रखती है, उसके अंदर झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती और ये फ्रेश रखती है। तो इसलिए खजूर का इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल भी आप इस तरह करें, 5 अदद खजूर लें, उनको रात को 1 गिलास पानी में भगो दें, सुबह उठकर खाली पेट जो है उसको आप खा लें और पानी जो है जो बचा हुआ उसको इस्तेमाल कर लें। चौथी जो चीज़ है जी आपकी एंटी एजिंग के लिए वो है चकोतरा, ग्रेप फ्रूट। क्योंकि ये है कि इसका सबसे एक तो ये एंटी एजिंग भी है, इसके अलावा जो है इसका एंटी कैंसरस भी है, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें यह है जी कि हम मुख्तलिफ कुछ लोग जो है क्रीमें लगा लगा के और बाकी चीज़ें लगा के अपनी स्किन को ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा उनके पिम्पल्स दाने माने निकल आते हैं और स्किन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा करवाहट इसके अंदर होती है। तो आपने ये करना है जी, इसका एक गिलास आप जो है इसका चकोतरे का जूस निकाल कर तो हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, इससे भी आपकी जो स्किन है बिल्कुल फ्रेश नज़र आएगी और स्किन के अंदर जो है ये आप देखेंगे ग्लो नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये भी एंटी एजिंग के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप इस्तेमाल इसको करें। सबसे अहम है जो पाँचवीं चीज़ है वो है जी ग्रीन टी। ग्रीन टी आपको पता है कि ये एंटी ऑक्सीडेंट भी है, आपके वज़न को भी कम करती है और इसमें जो है आप में फ्रेश लुक देती है। आप अपनी एज से हमेशा जब आप ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं
तीन से चार कप या दो कप भी आप डेली इस्तेमाल कर लें, उससे बहुत सारे और भी फायदे हैं जो कि आपके हेल्थ वाइज आपको ठीक रखते हैं। लेकिन ये है कि आप हमेशा यंग नजर आएंगे, जो अपनी एज से 10-15 साल लोग जो ये इस्तेमाल करते हैं वो छोटे नजर आते हैं। तो ये था जी आज का हमारा इसमें जो 5 सुपर फूड। और इसके अलावा जो मैं एक और बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर अपनी स्किन को आपने फ्रेश रखना है तो कम से कम 8 ग्लास जो है पानी, 8 ग्लास पानी दिन में जरूर पिएं। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 कप दूध जो है उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला के वो भी ले लें, वो भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और आपकी स्किन के लिए एक बहुत जबरदस्त चीज है। और सबसे आखिर में जो है वो है कि जो मैं हमेशा बताता हूँ कि एक्सरसाइज, हमेशा वॉक और एक्सरसाइज कभी ना छोड़ें। या भाई आप करते रहेंगे तो आप हमेशा तंदुरुस्त भी रहेंगे और आपकी स्किन भी ठीक रहेगी और आप दूसरे लोगों से जो आपके हम उम्र हैं उनसे आप यंग भी नजर आएंगे। आज के लिए इतने ही जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। शुक्रिया।